अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने इंडियन रिंगनेक पैरट की जो कि सेकेंड क्लास की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है ठीक है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो इसलिए भी मैं चेक करना चाहता था क्योंकि अभी तकरीबन 3 से 4 दिन जो थोड़ा बहुत ये शेड का वर्क हुआ है ठीक है, इस वाइस वो बर्ड्स अपने बेबीज़ को बेहतर तरीके से फीड करा पाए या नहीं, या उनकी ग्रोथ के अंदर थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ गई या वेल एंड गुड हैं जैसे कि पहले थे ठीक है। ये सब हमने देखना है और ये ख़ास करके वीडियो मेरी सिस्टर सुमेरा कुरैशी की नहीं है ठीक है, जिनका यूट्यूब चैनल है छोटा सा, और सेकंड काशिफ भाई की नहीं है। ये वीडियो खास करके क्योंकि आज सुबह उनकी और मेरी बहुत अच्छी से बातचीत हुई, तो काशिफ भाई आप देख सकते हो थोड़ा सा दिन बर्बाद करके ठीक है थोड़ा सा वक्त निकाल कर आज मैंने थोड़ी बहुत सफाई की है ठीक है केजेस के नीचे से, और कुछ जो हमारे लकड़ी वाले पार्टीशन वाले केजेस हैं उनके अंदर से मैंने सफाई कर दी है। अलबत्त कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा डरते हैं, या जैसे कनियोर का पेयर था जिसके अंदर मेल थोड़ा सा डिजीज़ प्रॉब्लम में है, तो इस बाइस मैंने उसे नहीं छेड़ा। बाकी अब वो पेयर जो के मुसलसल ब्रीड करते हैं और उनकी हवा से उड़ने से वो कचरा बाहर आ जाता है क्योंकि मैंने उल्टी ट्रे लगा रखी है, तो इस बाइस कोई इश्यू नहीं है। तो चलें ये छोटा सा क्लिप काशिफ भाई के लिए मिला ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपके सपोर्ट के लिए। तो चलें दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ अपने जो खास ब्रीडर पेयर है ठीक है, जो कि दो थे जिनमें से अब एक रह चुका है जिसके अंदर 1 male + 2 females थी ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो माशाल्लाह एक मेल और 2 females हैं ठीक है, एक फीमेल वो बैठी हुई और सेकंड फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है ठीक है। तो चलें मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ देख लें भाई सफाई मेरे केजेस में ज़्यादातर गंदगी सनफ्लावर सीड्स की होती है और अपना लूसन की होती है ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और अलबत्ता जो पैरकीट्स बीट वगैरह करते हैं वो कहीं गीली नहीं रहती, ज़्यादातर सूख जाती है ठीक है टेम्परेचर के वाइस। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 babies मौजूद हैं ठीक है, मैं निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लीजिए ये रहा हमारा पहला बेबी ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ है और अभी इसका वेट भी बड़ा बेहतरीन है क्योंकि ये भाई तकरीबन 100 grams के आसपास इनको पर फीमेल को मैं दे रहा हूँ ठीक है। वो वहाँ से गुजर रहा भाई, एक बेबी ये आ गया हमारा ठीक है, सेकंड बेबी मैं और निकाल देता हूँ, ये रहा हमारा सेकंड बेबी ठीक है। आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ठीक है ये बेबी ठीक है, पहला बेबी ये रहा ठीक, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है और कलर भी इसका ब्राइटनेस की तरफ है, और सेकंड बेबी हमारा ये रहा ठीक है ग्रोथ वाइज क्योंकि इससे तकरीबन 1 inch छोटा है ठीक है। तो हम इन दोनों को रख देते हैं, तो आ जाओ भाई ठीक है, ये मैंने दोनों बेबीज डाल दिए हैं ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी सेकंड हांडी की तरफ ठीक है, तो सेकंड हांडी में हमारी ये फीमेल है जिससे हमारी बहुत अच्छी अभी दोस्ती बन चुकी है ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हांडी में हमें 2 babies मिलेंगे ठीक है, क्योंकि इसने 2 ही अंडे ले किए थे। हाँ भाई काटना नहीं है बिल्कुल भी, तो अच्छा इसकी हांडी ज़्यादातर तर रहती है यानी कि गीली, तो हमने जब जब हम अंदर आते हैं ठीक है केज में तो हम बराबर वाली हांडी की जो सूखी भीड़ होती है वो हम इसके केज में डाल देते हैं ठीक है। माशाल्लाह बेहतर बच्चा है ठीक है, कोई इसको क्लेम नहीं है ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ सेकंड बेबी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड बेबी ठीक है, जो कि ग्रोथ वाइज इससे
2 डेज़ या 3 डेज़ के आसपास बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन दोनों ही को देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा बराबर मेल है, ट्रेड कर रहा है भाई कि कैसे हो, ठीक है भाई। ये मैं इनको रख देता हूँ, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह बेबीज हमारे दुरुस्त हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने फीड इनको बेहतर तरीके से खिलाई है। इतनी यानी कि यहाँ पर जो चलने फिरने में दिक्कत थी, क्योंकि वर्कर काम कर रहे थे और बार बार केज के ऊपर चढ़ना फिरना था। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये लकड़ी पूरी क्रैक हो गई है, ठीक है। और ये जाली भी पूरी जाली में फड़ आ गया है, यानी कि आप कह लो सरवटें आ गई हैं इसमें। तो अब मैं चलता हूँ आपको थर्ड केज की जानिब लेके, जिसमें हमारे पेयर ने सेकंड ब्रीड के 2 चिक्स निकाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहली पोस्टर में बंद करना है, तो आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि मैंने पूरी गर्मी अभी जब से स्टार्ट हुई है तब से मैं इन्हें 1 टाइम खीरा और सेकेंड डे में इन्हें लौकी यूज़ करा रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि दोनों ही चीज़ें इस वक्त मार्केट में 60-80+ चल रही हैं, ठीक है। बस जिसको जैसा मौका लग रहा है वो वैसे मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है, सब्जी में। तो हट जाओगी, ये मैंने वाइल्ड पकड़ी थी आज से तकरीबन 4 साल पहले, देख रहे हैं। ये बराबर वाली फीमेल ने इसको बाइट किया है आज, ठीक है। पहले भी इसका एक नेल इसका तोड़ दिया था फीमेल ने, तो ये रहा इसका पहला बेबी, ठीक है। माशाल्लाह ग्रोथ वाइज भी बेहतर है। तो भाई तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। मैं निकालने लगा हूँ अपना सेकंड बेबी, ये रहा सेकंड बेबी, ठीक है, जो कि थोड़ा सा साइज़ में इससे छोटा है, 1 दिन का वफ़ा है, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये हो गए हमारे टोटल 2+2+2, यानी कि टोटल 6 बेबीज हो गए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी प्रोग्रेस अपने सेकंड ब्रीडिंग क्लच की, ठीक है, प्रोग्रेस की वीडियो, ठीक है। तो मैं इसे रख देता हूँ, ठीक है, फीमेल्स देख रहे हैं आप, अच्छा फीमेल देखे मुझे बाइट भी नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी वक्त से मेरे पास एक पेयर, क्योंकि मेल मेरे होम ब्रीड है और फीमेल मैंने पकड़ी थी, तो ये पेयर बॉन्डेड है और तकरीबन मुसलसल 5 साल से मुझे रेगुलर माशाल्लाह ब्रीड देते आ रहे हैं, उसमें से 4 साल की प्रोसेस आप सभी दोस्तों के साथ ऑनलाइन यूट्यूब पर शेयर है, ठीक है। तो मैं इसको रखने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो, फीमेल की कोई मेरे साथ मजामत नहीं है, ठीक है, हट जाओ, चलो भाई यहाँ से जाओ तुम, ठीक है भाई, यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं सेकंड को उठा रहा हूँ, इसको भी मैंने ऐड कर देना, ठीक है भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, चलो भाई, ये तो खुद ही चला गया। वाकई में बहुत बेहतरीन फीमेल है ये, लास्ट टाइम इसने 8 चिक्स इसने फीड कराए थे, और इस साल इसने पहले क्लच में 4 बेबीज को फीड कराया और सेकंड क्लच में 2 ही बेबीज इसके निकले और 1 अंडा डैड इनके लिए, ठीक है। तो सबको कह दो भाई अल्लाह हाफिज़, ठीक है, आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं डरते मेरे पैराकीट, सिवाय 2 प्लेयर्स के जिसमें से एक तकरीबन 4x4 के केज के अंदर मेल फ्लाया था, तो उसको मैंने डायरेक्टली ऐड किया था फीमेल के साथ, फीमेल घर की होम ब्रीड की है, और सेकंड पेयर है जो कि मैं लालू के डाकखाना से लेकर आया था, ठीक है। तो वो पेयर तो मेरे पास तकरीबन 3 साल से, मेल थोड़ा नॉर्मल हो गया था, फीमेल बिल्कुल वाइल्डनेस पर है, फीमेल हांडी के अंदर घुस जाती है। इन 2 पेयर्स के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेयर मेरे पास बेस्ट हैं, यानी कि कोई पेयर डरता नहीं है, आप इनके क्लचेस देखें, आप इनके अंडे देखें, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर खुराक में अभी तक मैंने इन्हें लाल चावल, मोटी कलमी और बाजरा रखा हुआ, ठीक है, बाजरा आपने अच्छी क्वालिटी का लेना सही, ताकि बर्ड्स उठा सकें, क्योंकि बाजरे की कीमत दिन ब दिन बेहद बढ़ती जा रही है, अभी भी तकरीबन 30 रुपये अपनी बढ़े थे अच्छे दाने के ऊपर,
यानी कि 80 रुपीज़ से तकरीबन 130 के नियर हो गया है, और मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग हैं। और जो एक लोकल दाना जो अक्सर आपको परसों शॉप में मिलता था 40 रुपीज़ पर केजी वाला, अब वो भी तकरीबन आपको 60 रुपीज़ प्लस मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहने की बात ये, देखिए मैंने पूरा साल एक ही दाना खिलाना है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन चीज़ वो जो कि मैं समझता हूँ वो है लाल नमक, ठीक है। ये तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लेकिन आप बराबर के चीज़ में देख सकते हो, मैंने हर पेयर को एक एक लाल नमक का डेला लाजमी देना है, ख़ास करके अगर पूरा ईयर नहीं रखा हुआ तो मैंने ब्रीडिंग टाइम पीरियड पर लाजमी देना है, ठीक है। क्योंकि अपने बेबीज़ को फीड कराते हैं तब भी चाट दें, और फीमेल को जब फीड करा रहा होता है तब भी बेहतरीन कारामद। मैं ये समझता हूँ कि इससे काफ़ी चर्बी भी ख़त्म होती है और ये ब्रीडिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। उसके अलावा कोई कैल्शियम, कोई विटामिन, कोई मिनरल कुछ भी नहीं देता मैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसी दाने के ऊपर ब्रीड आ रही है, थोड़ी मिकदार में लेकिन बेहतर है, ठीक है। मेरे बर्ड्स मुझसे खुश हैं, मैं इस बात से खुश हूँ। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।